महबूबियत का इससे बढ़कर के कोई सनद और परवाना नहीं। मैं अर्ज कर रहा था कि ये चूंकि सहाबियत की बात चल रही थी, सहाबी के ताल्लुक से मेरे अजीब थे। सच्चाई ये है कि सहाबे कराम के मरातब बहुत थे। हमारे सब ये उलमाए अलजामतुल शरिया की ये सब जो है, इनको हम महबूजू कहें तो इनकी तौहीन होगी, आफ्ताब माहता की ये कहें तो भी शायद बेहतर नहीं होगा। ये इल्म क्या आफ्ताब माहताब है, लेकिन सहाबी आप जानते हो ईमान की हालत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने दीदार किया वही न सहाबी है। अल्लाह ईमान की हालत में जिसने सरकार का दीदार कर लिया वो सहाबी रसूल है, और सहाबी रसूल का मकाम कितना बुलंद है, कितना बुलंद है, आम इंसान सोच भी नहीं सकता है कि सहाबा का मकाम कितना बुलंद है। अरे ओगे सुरैया से भी कहीं ज्यादा बुलंद है सहाबा इकराम के। आप इस बात से अंदाजा करें अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी शख्स को ऐसी जिंदगी अता फरमाए जो यहाँ तो 60-70 साल आमतौर से उम्र होती है सरकार की, लेकिन बिलफर्ज हमारे तलबाए शर्फिया की उम्र जो हो जाए 60-70 साल वाली ना उम्र हो, अल्लाह ताला इनको 1000 साल की जिंदगी अता फरमाए। 1000 साल की जिंदगी भी अल्लाह ताला अता फरमाए हमारे तलबाए शर्फिया को, और साथ ही साथ अल्लाह ताला इन्हें ऐसा मुत्तकी और परहेजगार बनाए कि ये बगैर दिखावा बगैर रिया के अल्लाह की ताक में अपनी पूरी जिंदगी सर 1000 साल की ताके बेरिया में गुजार। लेकिन आए मेरे अजीज भाइयों, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये कि 1000 साल की ताते बेरिया में अगर कोई मोमिन सर भी कर दे इखलास के साथ अल्लाह की इबादत में मसरूफ भी रहे, लेकिन वो सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता जिसने ईमान की हालत में रसूल पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक नजर ईमान की हालत में जिसने सरकार का दीदार कर लिया उसके वो शख्स आम मुत्तकी आम औलिया आम अख्तार आम अब्दाल सबसे बदर कहा। और अल्लाह हजरत आप ये बुलंदी की बात है, बिलासबा सरकार के दामने करम से वाबस्ता होने वालों की अजमत का अंदाजा नहीं हो सकता। और एक बात हमारे याद रखना, सिर्फ हवा में उड़ न जाए हमारी बात। मेरे अजीज बच्चों, काश हमारे तलबाए शर्फिया वाकई गौर कोशिश करते कि वाकई इस्लाम को समझने की कोशिश। आप यकीन जानो ये जैसे माँ कोई बच्चा अपनी माँ की कोई भी खिदमत करे तो माँ की खिदमत का हक अदा कर सकता, बोलो यार पढ़ चुके हो हदीस शरीफ में भी है, हमारे उलमा भी बयान फरमाते हैं कि आप और हम अपनी माँ की खिदमत में पूरी जिंदगी भी सर्व कर दें और हर किस्म की खिदमत जो मुमकिन है अपनी माँ की खिदमत करें, लेकिन क्या माँ हक का हक इंसान अदा कर सकता है? यही सच्चाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं बगैर तस्वीर हो तो ठीक है, सहाबे किराम ने इस्लाम की हिफाजत और बका के लिए जो कुर्बानी दी है अगर पूरी जिंदगी क्यामत तक के सारे मुसलमान अगर सहाबा नहीं शुक्रिया अदा कर सकते, अगर वो सहाबा ना होते तो आज दुनिया के अंदर
बेटियां साहबे करामी की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या है मुसलमान है और दीन की हिफाजत है और दीन की बका है और सुबह क़यामत तक ये परचम इस्लाम जो लहराता रहेगा उसके पीछे जरूर बिन जरूर हमारे साहबा की कुर्बत। और आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बिलास साहबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से लगभग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद उन हालात में किया हज़रत जबकि सरकार के साथ देने वाले बहुत मुश्किल से चंद लोग खड़े हो गए। बिल्कुल सच्चाई ऐसा नहीं ठीक है। आखिर दुनिया में कितने पैगंबर हैं कितने रसूल हैं उन्होंने तबलीग भी किया लेकिन जहां आदमी सिर्फ आपके दस पर ईमान लाए और ईमान नहीं भी लाए उन अपने नबी और रसूल की मदद भी नहीं की। लेकिन ये तो सहाबा सरकार ने आवाज दी तो झुंड दर झुंड इंसानों का गिरोह अंसार की मुहाजिरीन की शक्ल में अंसारे कराम की शक्ल में सरकार के गिर्द जमा होता गया और लाहौर हज्जतुल वदा के मौके पर जब सरकार ने आखिरी खुतबा दिया है तो उसमें 1,24,000 सहाबे अल्लाह दुनिया का कौन सा नबी है कौन सा रसूल है जिसकी दावत पर इतने लोगों ने लबैक कहा। ये सहाबे इकराम है हमारे कि सहाबे इकराम जब दर्जो इस्लाम में दाखिल होते गए और सरकार के कदमों से वाबस्ता हो गए और अल्लाह समझ यकीन जानो ये मुबालगा नहीं और ये अल्फाज अल्फाज की जो है कम के अंदर ये कोई मुबालगा के हिस्से नहीं लगता। सहाबे किराम ने तन मन धन सब कुछ लुटा दिया सरकार के कदमों पर इस्लाम के तहत उसकी मिसाल हजरत तारीख़े उम्म में जो आलम क्या मतलब जो लगे तारीख़े उम्म में जो आलम है सारी दुनिया के लोग उम्मतों की जो तारीख है कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी है जिसने अपने नबी और रसूल के साथ वो बर्ताव किया हो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सरकार के साथ कैसे सरकार के जानिसार यहाँ मुंतज़िर ने तशरीफ़ फरमाए सरकार के तो ऐसे जानिसार थे ये बताते हैं हमारे ये उलमाए किराम मुंतज़िर किराम कि सरकार की एक एक अदा को महफूज करने की कोशिश एक एक अदा सरकार कब उठे कब बैठे कब नजरे पाक उठाया कितनी मरतबा नजरे पाक उठा करके फिर झुकाया फिर उठाया फिर क्या इरशाद फरमाया क्या दुनिया तारीख उम्म के अंदर कोई मिसाल पेश कर सकता है दुनिया के किसी कायद दुनिया के किसी पेशवा की कि उसके जागने वालों ने इस अंदाज में अपने पेशवा के साथ बर्ताव काश और जरा भी ये तो खैर साहबे कराम के अंदर हमें जिक्र जमील करना है कि इसका अहले बैत अल्लाह अहले बैत कराम सरकार के घर में बोलो यार सरकार के घर तो उसमें घर वालों से मुराद सिर्फ जो है फातिमा ज़हरा ही नहीं सरकार के अज़वाज मुतहररात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हज़रत अली हैं चचाज़ाद भाई रिश्तेदारी हज़रत फातिमा ज़हरा नहीं हैं इमाम हसन नहीं हैं इमाम हुसैन नहीं हैं और दीगर जो रिश्तेदार हैं। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ भाई रसूल